हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्पोर्ट रिलेवेंट में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग का, जो यहां पर 35वां मुकाबला खेला जाएगा पर्थ स्कॉर्चर और फ्रेंड्स यहां से सिडनी थंडर्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, यहां से आपके लिए बता दें, पर्थ स्कॉर्चर की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। विलानी इस मैच को नहीं खेलने वाली है और यहाँ पर फ्रेंड्स मेगन बेंटिंग की एंट्री हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, क्या वो यहाँ पे खेलेगी नहीं खेलेगी या फिर यहाँ पे कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों टीमों ने क्या परफॉर्मेंस दिया है इस टूर्नामेंट में, सारा कुछ रिकॉर्ड हम आपके लिए लेके आए इस वीडियो में। तो सारा कुछ हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 35वां मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम ग्राउंड है, लास्ट मैच आपने यदि देखा होगा तो आप उसको देख के भी अपनी टीम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वही सेम दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। तो ये दोनों टीमों का स्क्वाड है जो कि अपडेट हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए टीम न्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर पर्थ स्कॉर्चर की तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विलानी जो कि नहीं खेलने वाली हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी रिप्लेसमेंट में फ्रेंड्स यहाँ से मेगन बेंटिंग को लाया गया। तो बेंटिंग आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे दो प्लेयर हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर यहाँ पे खेल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और प्लेयर सेव हैं, आप सारे प्लेयरों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सिडनी थंडर्स की तरफ से अनचेंज यहाँ पर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो आपको वही प्लेइंग इलेवन दिखने वाले मेरे हिसाब से। तो और सेम प्लेइंग इलेवन के साथ ये आएंगी। तो यहाँ से आप प्लेयर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी प्लेयर हैं सारे प्लेयर यहाँ पर खेलने वाले हैं। अभी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर की तरफ से, तो मेग लैंडिंग आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही हैं और देखिए 76 रन इन्होंने लास्ट मैच में बनाया। उसके पहले आप तो दो मैचेस का लगातार परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 75 है, 70 और 76 है। इसके बाद देखिए मेग लैंडिंग जो कि नहीं, वो एलिस विलानी नहीं खेलने वाली, तो फ्रेंड्स इनको आपने नहीं पिक करना है। हालांकि लास्ट मैच में इनको बहुत 66 रन बनाए थे और इनको काफ़ी लोगों ने लिया हुआ था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एमी जोन्स जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही हैं, पर ये आपके लिए एक डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं आज के मैचेस में, तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया प्लेयर है, लास्ट मैच में उन्होंने 13 रन की पारी खेली है। इसके बाद देखिए निकोलस वोल्टन ने, 11 रन की पारी खेली लास्ट मैच में और यहाँ पे एक विकेट निकाला है। इसके बाद देखिए हेदर ग्राहम है, इन्होंने 1 रन बनाया था और इनको कोई विकेट नहीं मिला, तो लास्ट मैच में ये फ्लॉप गए, तो ये भी थोड़ी सी आपके लिए अलग से डिफरेंशियल साबित हो सकती है। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा लोग लिए होंगे पर कैप्टन वाइस कैप्टन कम ही लोगों ने बनाया होगा इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ से लॉरेन एर्विन ने 9 रन बनाए थी लास्ट मैच में। इसके बाद देखिए यहां से ये दोनों प्लेयर हैं, यहां से आप चर्मिशियल को देख सकते हैं और फ्रेंड्स यहां से देखिए बेंटिंग, तो दोनों में से यहां पे एक प्लेयर यहां पे खेलने वाला है, तो आप स्मॉल लीग में से दूर रह सकते हैं। बाकी देखिए बेंटिंग को लाया गया है, तो चाहिए तो आपको ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप इन दोनों से दूर रह सकते हैं स्मॉल लीग में। इसके बाद देखिए आपके पास केट क्रॉस का ऑप्शन है, चूंकि इन्होंने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला, उसके पहले भी आप इनके सारे मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहां पर सारा कुछ आपके लिए इसीलिए लिख के रखा हूं ताकि आपको प्लेयर का परफॉर्मेंस पता चलता रहे। इसके बाद देखिए यहां से पिपारो हैं, इनको मैंने आपको पहले ही न्यूज़ दे दिया था फ्रेंड्स ये, और इनको लास्ट मैच में ना ही बैटिंग एटिंग कुछ नहीं आई। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से पाइपर किलारी को न्यूज़ आपको दे दिया था जो कि खेलने वाली थी, आपको बताया था कंफर्म प्लेइंग इलेवन में आएंगी और दो विकेट इन्होंने निकाले हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ से टेनिले हैं, इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक विकेट निकाला लास्ट मैच में, और आप इनका सारा परफॉर्मेंस देख लीजिए यहाँ से जो भी इन्होंने मैचेस खेले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हेलिंग ब्रेंडन को लास्ट मैच में भी खिलाया गया था, कुछ नहीं कर पाए फ्रेंड्स ये कुछ नहीं कर पाई और यहाँ से ये नहीं खेलने वाले, इनको बाहर किया गया था। तो दो प्लेयर आपके लिए मैंने ऑलरेडी रिस्की रखे थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इनको आपने पिक नहीं करना है, आपके लिए फ्रेंड्स ये प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर खेलने वाले हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एमा किंग को लास्ट मैच में, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला, तो ये 11 प्लेयर यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर इन प्लेयरों की, तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस जरूर देख लेना फ्रेंड्स यहाँ से, और फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको विलानी को इस मैच में बिल्कुल ही पिक नहीं करना है। बाकी आप प्लेयरों का परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपने टीम में बिल्कुल पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं सिडनी थंडर्स की तरफ से, तो फ्रेंड्स यहाँ से ओपनिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर रिचल हाइनेस ने 50 रन लगाई थी, उसके पहले भी बहुत शानदार 68 रन की पारी खेली थी, तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। इसके बाद देखिए रिचल पैट्स हैं, पैट्स ने 43 रन की पारी खेली और बराबर कॉन्ट्रीब्यूट दे रहे बैटिंग से, तो आप देखिए 22 और 40 रन
इसके पहले इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद न्यू मिस नेदरलैंड दो मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चला, उसके पहले 55 रन खेले थे इन्होंने, लास्ट मैच में एक रन बनाया है। इधर देखिए हरमनप्रीत कौर ने 45 रन की पारी खेली है, और फ्रेंड्स ये बॉलर नहीं करा रही, शुरू में इन्होंने बॉलें कराई थी, आप उनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलेक्स ब्रिसबेल ने तो 2 रन इन्होंने बनाया, स्टेफनी टेलर ने 23 रन बनाया, नॉट आउट रही थी मेरे हिसाब से और इनको कोई विकेट नहीं मिला था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए निकोलस केरी ने 2 विकेट निकाले थे, और फ्रेंड्स यहाँ पे सवंदा बिट्स को कोई विकेट नहीं मिला लास्ट मैच में। इसके पहले भी आप इनका सारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप देखिए बैटिंग प्लस बॉलिंग मैंने सब कुछ लिख के रखा है, आप बिल्कुल एक एक प्लेयर को यहाँ से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके स्लोली मोड में, तो फ्रेंड्स आपको सारा कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए निकोला केरी ने 2 विकेट लिए थे, सवंदा बिट्स को विकेट नहीं मिला था, यहाँ से फेरल को कोई विकेट नहीं मिला, और यहाँ से मैजिक गिब्सन को भी कोई विकेट नहीं मिला। ये फ्रेंड्स नहीं खेल रहे बिलिंडा तो इनको नहीं पिक करना है। इसके बाद देखिए लीजा गिफ्टेड ने 1 विकेट निकाला है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए यहाँ से अच्छी चॉइस रहने वाली है। आप इनमें से देख सकते हैं सारे प्लेयर का परफॉर्मेंस और प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग से। देखिए यहाँ पे पर्स स्कोच ने मैच यहाँ पे विन किया था, हालांकि इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर 66 रन बनाए थे, विलानी नहीं खेल रही, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिडनी थंडर्स चाहेगी कमबैक करना और इनसे मैच जीतना। तो फ्रेंड्स दोनों बहुत शानदार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद यदि आपने सेफ खेलना है कि भाई जो भी चेंजेस हुए यदि बैटिंग खेलते हैं आप उनको अपनी टीम में पिक करना चाहते हैं तो आप एकदम सेफ खेल सकते हैं, जहाँ पे आप टॉस होने के बाद में अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप वहाँ पे जरूर खेलिएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे एक तो प्लेयर मिस नहीं होता है और आपके विनिंग करने के वहाँ पर ज़्यादा चांस रहते हैं, तो आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने सबसे पहले साइनअप करना होगा हाला प्ले पे, ये रेफरल कोड है हाला प्ले पे। फ्रेंड्स आप जब साइनअप करेंगे तो 100 रुपये का आपको कैश बोनस मिल जाएगा, जो कि आप यहां से 100% यूज़ भी कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हाला प्ले पे आपको 22 प्लेयर बता दिए जाते हैं जो दोनों टीमों के रहते हैं कि भाई ये प्लेयर खेल रहे हैं, आप इनमें से अपनी टीम में 11 प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो हाला प्ले पे टॉस होने के बाद दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपको पता चल जाएगा, आप अपनी टीम को हाला प्ले पे एडिट करिए। हाला प्ले से देख के देखिए ये लीग एक्स रेफरल कोड है, साइनअप करते ही 25 रुपये मिल जाएगा और 200 रुपये लीग की तरफ से कैश बोनस मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत शानदार साइड है, टॉस होने के बाद में आप इन दोनों साइडों पे अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। दूसरी बात आप हाला प्ले से देखिए आप लीग एक्स पे अपनी टीम को एडिट कर दीजिए, आपको कहीं और प्लेयर पता करने की जरूरत नहीं है, आप ये दोनों ऐप्स में अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर कभी भी प्लेयर मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा और साथ में दे दूंगा रेफर कोड, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से साइनअप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए विकेट कीपिंग में आपके पास यहाँ से ऑप्शन जो है एमी जोन्स का ऑप्शन है और पैड्स का ऑप्शन है, आप इमली को मत लीजिए, आपके पास तो दोनों बहुत शानदार प्लेयर हैं। आपको पता है एमी जोन्स अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में आप एक टीम में बिल्कुल इनको रखिएगा क्योंकि प्लेयर बहुत शानदार है, कभी भी अच्छा क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिचर्ड पैड्स हैं जो कि लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इनको स्मॉल लीग में लेकर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हालाँकि आज के मैच में आपको एक बात बता दें, कम इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि आपकी विनिंग स्प्लिट भी हो सकती है और आपको सेम टीम अपने अपोनेंट में मिल सकती है स्मॉल लीग में। तो फ्रेंड्स यहां से डिफरेंशियल आपके लिए यही हो सकता है कि आप एमी जोन्स को लें, बाकी आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से यहां पर रिचर्ड पैड्स का अच्छा फॉर्म चल रहा है, आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर देखिए मेग लेनिंग है, विलानी नहीं है, और विलानी को देखिए काफी लोगों ने यहां पर ड्रॉप भी कर दिया है। अभी देखिए 80% लोगों ने इनको लिया हुआ था, जैसे जैसे न्यूज फैलती जा रही है तो फ्रेंड्स इनको लोग कम करते जा रहे हैं। आप देखिए अभी लगभग 59% लोगों ने इनको लेकर रखा है, तो आप इन 59% लोगों में से बिल्कुल मत रहना, काफी नाइट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहां पे सुबह सुबह जितने लोग इनको ड्रॉप कर पाएंगे फिर भी इनको 40% लोग तो लिए ही रहेंगे, और काफी यदि आपके स्मॉल लीग में अपोनेंट में मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका वहां से जीतना तय हो जाएगा, ये यहां पे फायदा होता है थोड़ा सा। हालांकि यहां पे देखिए हरमन आपके पास कौर का ऑप्शन है, आप इनको ले सकते हैं, हाइनिस आपके लिए अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। इसके बाद देखिए बैटिंग आपने देखा लास्ट मैच में हाई स्कोरिंग मैच हुआ, तो आप यहां पर कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को ले सकें, आप यहां से एलेक्स ब्रिसबेल को ले सकते हैं, आप यहां से न्यू नेदरलैंड को ले सकते हैं। इसके बाद देखिए दो प्लेयर जो मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था यहां पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो ये प्लेयर है और फ्रेंड्स यहां से बेंटिंग, तो दोनों में से आपको एक प्लेयर यहां पे खेलते हुए मिलने वाला है। बाकी देखिए आपके पास पिपारो का ऑप्शन है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4 बैट्समैन के साथ जाइए, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 5वां बैट्समैन इन दोनों में से ले सकते हैं क्योंकि बहुत शानदार है, यदि बैटिंग आती है तो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से बात करते हैं
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके पास स्टम्पिंग टेलर का ऑप्शन है, लेकिन इनको अगर आप पिक करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए 6 नंबर पे ये बैटिंग करने के लिए आती हैं। और लास्ट टाइम पे आप देख सकते हैं इन्होंने बैटिंग में 23 पॉइंट इन्होंने रन बनाए थे। हालांकि आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं जा रहा जब से ये काफ़ी नीचे खेलने के लिए आ रही हैं। उसके पहले इनका शानदार परफॉर्मेंस था क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में ओपनिंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी चॉइस रह सकती हैं अगर आप ग्रैंड लीग में एक टीम में इनको ट्राई करें तो, बाकी स्मॉल लीग में आप इनसे दूर भी रह सकते हैं। यहाँ से देखिए बोल्टन आपके लिए अच्छे हैं, ग्राहम आपके लिए अच्छे हैं। अभी ये आपने डिसाइड करना है आपने पाइप क्लेरी को लेना है या फिर आपने लेना है ऐसे निकोला केरी को, तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से बात करते हैं तो आपके पास यहाँ से देखिए फेरल का ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ से कैट क्रॉस है जो कि एकदम सेफ चॉइस है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में बिल्कुल पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास किंग का ऑप्शन है, आप इनको ले सकते हैं, सेम बेट्स हैं आप इनको ले सकते हैं, सेफ प्लेयर है आपके पास एकदम। मेरी गिब्सन है, मेसी गिब्सन को आप चाहें तो अपनी टीम में ले सकते हैं। ब्रेंडन को आप मैंने बताई दिया, इनको आपने पिक नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं तो आपके पास टेनले का ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में लीजिए गिफ्टेड हैं जो कि यहाँ पे आपको खेलते हुए मिल जाएगी, तो आपने चाहिए तो आप बिल्कुल अपनी टीम को ले सकते हैं इनको अपनी टीम में। बाकी आपने और किसी प्लेयर को लेना है आप बिल्कुल अपनी मर्जी से इनको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यदि कैट क्रॉस को लेना चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, 9 क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है क्रेडिट का, तो आपकी ये टीम रह सकती है। आपको चाहिए तो आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए लीजिए गिफ्टेड का भी बहुत अच्छा एक विकेट हर मैचेस में ले रही हैं, तो आपको चाहिए तो आप उनको भी अपनी टीम में ले सकते हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने लेना किसको है। बाकी देखिए यहाँ से गिफ्टेड को मैं यहाँ से ले रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की जो चॉइस रहने वाली है वो आपके पास बेस्ट चॉइस जो रहने वाली है ये दो प्लेयर की हैं जो कि अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से आपने ट्राई करना, आप यहाँ से देखिए वोल्टन को ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं पैरट्स को। तो मेरे हिसाब से आप इन्हीं के साथ जाएगा, कैप्टन इन्हीं में से रखिएगा, आप वाइस कैप्टन इनको रख सकते हैं, या आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं जो कि जबरदस्त इंपैक्ट फॉर्म में चल रही हैं। तो आप मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में आपको यही मिलने वाली हैं। थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है तो आप हैरिस को यहाँ पे ग्राम को ट्राई कर सकते हैं, कौर को ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी थोड़ी सी अलग सी टीम हो जाएगी जो तो या तो आपके विनिंग का कारण बनेंगे या आपका बनेंगे लॉस का कारण। तो आप कोशिश करिएगा आप यहाँ पर इन्हीं में से अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सके। बाकी देखिए पैड्स भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो आप ये 4 प्लेयर को देख लीजिए, इसके अलावा और कहीं मत जाइए, यहाँ से आपकी इजीली विनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जो आपको बताया ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लेना और जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाना वीडियो को। और फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोज रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।